तो भाई आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर कार ओनर ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किया होगा, खास करके उन्होंने कि जिनकी गाड़ी मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक, तो ये चीज मतलब प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक में भी आती है, पर मैनुअल में ये प्रॉब्लम कुछ अलग हिसाब से आती है। अब बात है कि भाई आपकी गाड़ी में क्लच प्लेट होती है खराब, अब ये तो सीधी सी बात है, पर ये क्यों खराब होती है, ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जिन वजह से ये क्लच प्लेट खराब होती है, इसी के आसपास की आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ऐसा क्या करने से आपकी जो क्लच है वो लंबे टाइम तक बरकरार बनी रहे और आपकी जल्दी से क्लच प्लेट खराब ना हो, तो बने रहिए इस वीडियो पे, मैं पूरा ये टॉपिक आपको आज क्लियर कर दूंगा। तो भाई इसी टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली बात कि आपकी क्लच प्लेट को खराब होने के लिए सबसे बड़ी गलती ड्राइविंग पोजिशन की होती है। सपोज आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे अगर आपने अपना जो भी लेफ्ट पैर है जिससे आप क्लच को ऑपरेट करते हैं वो पैर आपने अपने क्लच पे रख रखा है, अब क्लच प्लेट मतलब जैसे क्लच पैडल के ऊपर आप अपने पैर को रख के रखते हैं और ऐसे में आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट उन दोनों के बीच में एक ऐसी जगह मतलब बनी रहती है जिससे क्लच प्लेट सही से काम नहीं कर पाती है और वो अपने आप अंदर अंदर घिसती रहती है हद से ज्यादा। तो ये एक सबसे बड़ी मतलब कारण होता है हमारी ड्राइविंग हैबिट का, जिस वजह से क्लच प्लेट गाड़ियों में जल्दी खराब हो जाती है। कई केस में तो पता है कि ये क्लच प्लेट अगर आप इस तरह से ड्राइव करते हैं अपने पैर को क्लच पैडल पे फुटरेस्ट करके, तो उसमें आपकी क्लच प्लेट कुछ हजार किलोमीटर में खत्म हो जाती है। इसके बाद में आता है भाई क्लच का ओवर यूज या फिर क्लच का रफ यूज, आप कुछ भी कह लीजिए। अब देखिए ये क्या चीज है कि जब आप गाड़ी को अपनी चला रहे हैं, अब ऐसे में आप कोई भी मान लो ऐसा एलिवेटेड रोड आ रहा है वहां पे आपकी गाड़ी सेकंड गियर में या फर्स्ट गियर में आपको चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है या फिर आपको इंस्टेंट पिकअप चाहिए, ऐसे में हम क्या करते हैं गाड़ी को यूज करते हैं हाफ क्लच में। अगर हाफ क्लच आपको नहीं बताया तो मैं बता दूं, जब आपकी गाड़ी में आपको इंस्टेंट पावर चाहिए तो ऐसे में आप क्या करते हैं अपनी गाड़ी में क्लच पूरी ना छोड़ते हुए क्लच को आधी छोड़ दें और आरपीएम को बढ़ा देते हैं, तो ये पोजिशन हो जाती है गाड़ी में हाफ क्लच की। और ऐसा आपकी गाड़ी में बार बार करने से आपकी गाड़ी में जो भी क्लच प्लेट लगी है उसमें टेंशन पड़ता है और वो खराबी हो जाती है, तो ऐसी चीजों से बचें जिससे कि आपकी क्लच प्लेट लॉन्ग टर्म तक चलती रहे। और इसके बाद में भाई आता है कि अगर आपकी गाड़ी में जो भी क्लच प्लेट लगी है वो है आपकी हाइड्रोलिक, अगर हाइड्रोलिक क्लच लगी आपकी गाड़ी में तो सीधी सी बात है उसमें आपको ऑयल भी डालना पड़ता है और ऑयल की सप्लाई क्लच प्लेट तक जाती है, जो भी उसकी केबल होती है क्लच बैरिंग की जो भी दोनों को आपस से अलग करती है वहां तक आपकी गाड़ी में क्लच फ्लूइड की सप्लाई जाती है। और गलती से या फिर किसी भी कारणवश अगर आपकी गाड़ी में जो क्लच फ्लूइड है वो क्लच प्लेट के आसपास लीक करने लगता है, ऐसा ऐसे टाइम पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपकी गाड़ी में जो क्लच प्लेट है वो खराब हो जाए, क्योंकि उन्हें लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर जहां पे मान लो लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है वैसी जगह पे ऑयल जा रहा है तो ऑब्वियसली भाई की सीधी सी बात है कि आपकी गाड़ी में वो क्लच प्लेट प्रॉब्लम करेगी ही, और आपको इसीलिए अपनी गाड़ी में जो भी फ्लूइड लेवल का जो भी कंटेनर होता है जहां पे भी आप क्लच फ्लूइड फिल करते हैं उसको हमेशा मेजर करते रहना चाहिए कि वो एक टाइम लिमिट के अंदर ज्यादा तो लो नहीं जा रहा है, तो इस चीज से भी आप अपनी गाड़ी की क्लच को बचा सकते हैं। इसके बाद भाई और एक ऐसी चीज कि जो मान लो जनरली तो लोग नहीं करते हैं पर बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि हद से ज्यादा गाड़ी में वजन को डाल देते हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे करते हैं अपनी गाड़ी के पीछे मतलब पीछे टो करके कुछ दूसरी गाड़ी को लेके जाते हैं या कोई ऐसी चीज को लेके जाते हैं कि जो जनरली आपको जरूरत नहीं होती है। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, देखिए वैसे तो आपकी गाड़ी में आप कितना भी लोड दे दो इंजन को एक लेवल तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारा फर्क जाता है आपके सस्पेंशन सिस्टम में, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा काम बढ़ जाता है आपकी गाड़ी में क्लच सिस्टम का, क्योंकि अल्टरनेटिवली जैसे मान लीजिए इंजन की जो भी ताकत है उसको पूरे गियर बॉक्स तक ट्रांसफर करने का जिम्मेदारी जो है वो क्लच सिस्टम की ही होती है। अब ऐसे में सीधी बात है कि अगर आपकी गाड़ी 300-400 किलो वजन ले जाने के लिए डिजाइन की गई है या 500 किलो मतलब जो भी उसका डिजाइन किया गया है जितना वो वजन ले जा सकती है उससे एक लिमिट ज्यादा तक अगर अपनी गाड़ी में वजन को लेके जाते हैं तो वो अलग बात है, पर आप अपनी गाड़ी पे एक्सेसिव लोड देते ही रहते हैं तो ऐसे टाइम पे क्लच और क्लच प्रेशर प्लेट का वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे केस में देखा जाता है कि भाई आपकी क्लच प्लेट जल्दी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको जरूरत नहीं है बेकार का वजन डालने की या फिर ऐसा कोई भी हैवी व्हीकल टो करने की तो उसमें उतना ही वजन डालो जितना भाई रिक्वायर्ड हो। और भाई जैसे हमने बात करी हाफ क्लच की कुछ टाइम पहले, उसी तरह मैं आपको बता दूं अगर जैसे आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी किसी भी जगह या तो कोई रेड सिग्नल है जहां पे आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है और बाद में जब भी ग्रीन सिग्नल हो गया और फिर मान लो आपने बहुत सी बार लोग देखे होंगे कि एकदम से पंजा दबा के आरपीएम को अप करके और सीधी गाड़ी गोली की तरह निकाल देते हैं, तो ये और एक बहुत बेहतरीन केस है आपकी गाड़ी में क्लच की खराबी आने के लिए। तो जब भी भाई आप अगर रुकते हैं किसी भी मान लो जगह पे
और जहां पे आपको जरूरत नहीं है गाड़ी की अचानक से आरपीएम बढ़ाने की, तो थोड़ा हौले हौले गाड़ी को चला लो, जिससे कि आपकी क्लच प्लेट एक लंबे समय तक आपका साथ देगी और आगे आने वाले किसी भी बंदे को आपसे कोई खतरा भी नहीं होगा। इसके साथ ही भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो काफी रेयर होती हैं कि जिससे आपकी क्लच डिस्क है वो खराब होती है। इसमें पहले नंबर पे आ जाता है कि आपकी जो प्रेशर प्लेट है उसमें किसी फॉल्ट का आना, और दूसरी बात आ जाती है या तो क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होना। अब देखिए, वैसे तो कोई भी कंपनियां जो भी क्लच प्लेट मैन्युफैक्चर करती हैं तो उनको पूरी तरह से क्वालिटी कंट्रोल करके ही आप तक पहुंचाती है, बट रेयर केस में अगर कोई ऐसी मान लो क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट आपके पास में आ गई है तो वही चांस होते हैं कुछ परसेंट्स के जिससे मान लो वो जल्दी खराब हो जाती है, बट रेयरेस्ट केस में ये सारी चीजें होती हैं। बट इससे अलावा जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इस वीडियो में, अगर आप उन चीजों पे ध्यान देते हैं तो आपकी गाड़ी में जो भी आपने सामान डाला है, जो भी क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट आपने डाला है, वो लाखों किलोमीटर तक भाई साथ देता है। एक एवरेज अगर बात करी जाए, अगर ढंग से आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो 70-80 हज़ार है 1 लाख किलोमीटर तक क्लच प्लेट अगर आपकी गाड़ी में चलती है तो ये बात कोई नई नहीं है। पर इससे उल्टा बिल्कुल कि अगर आप अपनी गाड़ी को एक बुरी तरह से ट्रीट करने बैठते हैं तो भाई खत्म पीस है, वो आपकी कुछ हजार किलोमीटर में भी आपकी क्लच प्लेट खत्म हो जाएगी। वैसे तो पर्सनली किसी बजट कार की अगर बात करी जाए तो क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट का उसका उतना खर्च नहीं होता है, कुछ रुपए में मान लीजिए 10,000-11,000 के अंदर आराम से वो हो जाती है। पर भाई क्यों ही करना अगर वो चीज़ आप लंबी चला सकते हो। तो भाई ये थी एक छोटी सी वीडियो कि जिसमें मैंने आपको बताया क्लच प्लेट को आप किस तरह से बचा सकते हो अपनी गाड़ी में, और इसी के आसपास की वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अगर आपकी तरफ से भी कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट का बॉक्स में मुझे आके जरूर बताना।